चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें विस्तार से देखते हैं। कल रात केदारनाथ यात्रियों पर भारी थी। केदारनाथ में ऐसा बादल फाड़ हुआ, तबाही आई जिसने 2013 के केदारनाथ तबाही की यादों को ताजा कर दिया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चट्टाने गलने लगी, कई जगह रास्ते सैलाब की वजह से बह गए। देखिए केदारनाथ हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट। कहीं बादल फट रहा है, कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं कार पानी में बह रही है, तो कहीं ट्रक पानी में फंसा हुआ है। मानो जल बिल्ले आ गई है। पहाड़ों पर आपातकाल चल रहा है। मुसीबत का पहाड़ तो टूटा है केदारनाथ में। बीती रात केदारनाथ में जो हुआ उसने 2013 की आपदा की याद ताजा कर दी। बीती रात केदारनाथ पर भारी थी। रात को खबर आई केदारनाथ में बादल फटा है, जिसके बाद केदारनाथ से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मच गई। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं यहाँ हालात कितने भयानक रहे होंगे। बादल फटने के बाद इतना जोरदार सैलाब आया कि केदारनाथ पैदल पथ कई जगह से पूरी तरह ध्वस्त हो गया। देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें पानी के साथ बहकर केदारनाथ के पैदल रास्ते पर आ गई। सोचिए रात के अंधेरे में जब ये चट्टानें गिर रही होंगी, लैंडस्लाइड हो रहे होंगे, तो हालात कितने खौफनाक होंगे। अब देखिए कैसे जगह जगह पहाड़ से सैलाब नीचे आने के निशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बादल फटने से पानी की धार तेजी से नीचे आने लगी और जो रास्ते में आया उसे अपने साथ बहा कर ले गई। कल रात को भारी बारिश के चलते जो केदार घाटी का मंजर है हम आपको दिखाएंगे। अभी हम पहुंच चुके सोनप्रयाग में और यहीं पे कल जो सड़क वॉश आउट हुई थी सोनप्रयाग से और गौरीकुंड को जोड़ती है, आप देख सकते हैं ये हिस्सा है सड़क का, लगभग 25 से 30 मीटर का ये हिस्सा है जो वॉश आउट हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो सड़क है वो नेस्तनाबूद हो चुकी है। और उसके बाद अब जो लोग आवाजाही कर रहे हैं वैकल्पिक रास्ते से, आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी से बहुत दूर वहां से उस ऊपर चट्टान से होकर लोगों को वैकल्पिक रास्ते से नीचे लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कल जो बारिश हुई उससे जो केदार घाटी का जो सोनप्रयाग से और गौरीकुंड का हिस्सा है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और खास अगर सोनप्रयाग से और गौरीकुंड की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो सड़क का वो पूरी तरह वॉश आउट हो चुका है और अब यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो वैकल्पिक रास्तों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो लोग कल फंस गए थे इधर गौरीकुंड के समीप उनसे जानने की कोशिश की, अभी उसी रास्ते से पहुंचे यहाँ पर। कल कैसा था माहौल, किस तरीके से आया आप लोग? माहौल है अचानक रात को 7:30 बजे के बाद अचानक बारिश होने लगी गरज के साथ और देखते ही देखते पानी भरने लगी सब। उसके बाद ऊपर की ओर जहाँ रुके हुए थे ठहरे हुए थे बस्ती के ऊपर सबको भागने के बाद घूमने लगा वहाँ, फिर वहाँ भगदड़ मच गया, भगदड़ मच गया वहाँ पे। फिर ऊपर में गए फिर सब बंदे लोग जितने को आए थे इधर उधर होकर बिखर गए। फिर सुबह में हम लोग तो मिल गए, हम जितने को आए थे झारखंड से रांची से हम तो मिल गए। फिर देखते थे इधर से चढ़ाई करते हुए और भी लोग माहौल था यहाँ पर जब बारिश हो रही थी तो कुछ यहाँ पे मकान बने या कुछ देखा आपने? तो बड़ा नुकसान नुकसान तो नहीं देखे, जो यहाँ के बस्ती वाले थे हम लोग को सूचना दी, हम लोग रूम लेके गोरखपुर में थे, उन लोग बोले तुम लोग आगे निकल जाओ गाँव तरफ। हम लोग सब अचानक सब इधर उधर, हम लोग 19 को यह रांची झारखण्ड से सब इधर उधर भाग गए। फिर सुबह का सब मिले होटल में आके उसके बाद फिर यहाँ तक आए पैदल, देख रहे हैं इधर भी पुल ढह गया है। फिर ऊपर से रेस्क्यू करके कल रात कितनी बारिश हुई, कैसा माहौल? बहुत महान, बहुत खराब था, बहुत भयानक हो रहा था। अच्छा, हर घोड़ा का पजेला जो बना हुआ है ना हेलीपैड के नीचे, हम लोग वही सोए घोड़ा के साथ सोए। अच्छा, घोड़े के साथ सोए? घोड़े के साथ सोए, तो बरसाती है तो उसी को ढक के सो गए। देख उस सब हम लोग का गोरीकुंड का रूम में था ना। अभी किस तरह की यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है? पानी खाने की पानी भी दे रहा है इंडिया के दिन, जो यहाँ गाड़ी चलती है ना उन लोग का थ्रू वहाँ मिल रहा है, एक बोतल पानी बिस्कुट वगैरह वगैरह कुछ स्लाइस व्लाइस मिल रहा है बस। अभी क्या सोच रहे हैं, निकल रहे हैं? अभी हम लोग निकल लेंगे सोच रहे हैं और मजे हम लोग।
देख सकते हैं आप कल की जो घटनाएं, जो लोग हैं जो यहाँ पे प्रत्यक्ष दर्शी थे कल, जो केदारनाथ से यात्रा करके वापस लौट रहे थे, और उसके बाद जब बारिश हुई, जो मंजर था यहाँ पे, जो रावणा मंजर यहाँ पे, क्योंकि अलकनंदा का जलस्तर काफी बढ़ गया था और उसके बाद जो सरदार थे काफी भयभीत हो गए थे। हालांकि अब मौसम ठीक है और लगातार रेस्क्यू जारी है, ये लोग भी आ चुके हैं पैदल रास्ते से, लेकिन अब जो लोग दिनचौली में फंसे उनको हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे हैं, सतपाल महाराज जी जो पर्यटन मंत्री हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, और डीएम एसपी लगातार मौके पे हैं, और जो गौरीकुंड का सोनप्रयाग का एरिया है अभी यहाँ मौसम ठीक है, और जो अभी यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, और जो यहाँ पर सड़क जो डैमेज है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पहले सबसे प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। देखिए कैसे जगह जगह रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए, कई जगह तो ऐसा लग रहा है मानो सड़क या पैदल रास्ता था ही नहीं। हम आपको केदारनाथ पैदल मार्ग का एरियल व्यू दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। नीचे केदारनाथ पैदल मार्ग दिखाई दे रहा है। बादल फटने और बारिश की वजह से ये कई जगह से पूरी तरह तबाह हो गया। देखिए कैसे बड़ी बड़ी चट्टाने और पत्थर इस रास्ते पर आ गए हैं। कई किलोमीटर तक रास्ता जगह जगह से तबाह हो गया। बादल फटने की वजह से सैकड़ों यात्री केदारनाथ के रास्ते में फंस गए। रात भर सीएम धामी हालात पर नजरें जमाए हुए रहे। अधिकारियों को हर मुमकिन मदद के निर्देश दिए गए और फिर शुरू हुआ केदारनाथ में एक बार फिर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ये तो आपने केदारनाथ बादल फटने की तस्वीरें देखी, अब आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन और कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला जा रहा है। केदारनाथ में रात के अंधेरे में आई इस आफत के बाद कई जगह यात्री फंसे हुए थे। बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। भीम बली में कई लोग फंस गए थे। केदारनाथ पैदल मार्ग और भीम बली में दो पुल बह गए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच रास्ते का कुछ हिस्सा भी बह गया है। भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुँच गया। वहीं कुंड को बंद कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने की। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को वैकल्पिक रास्तों से बाहर निकालने का काम शुरू किया। देखिए किन मुश्किल हालात के बीच एसडीआरएफ की टीम इन्हें बाहर निकालने में जुटी हुई है। लिनचोली में फंसे लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। सड़कें तबाह हैं, जगह जगह पानी बह रहा है, ऐसे में ये ऑपरेशन बेहद मुश्किलों भरा है। देर रात को भारी बारिश के बाद जो केदारनाथ हाईवे है कई जगह उसको भारी नुकसान पहुंचा है। अभी देख सकते हैं आप, हमें मौके पर मौजूद है और यहाँ पर लगभग 25 से 30 मीटर का जो हिस्सा है वो बह चुका है और मंदाकिनी नदी में जमा चुका है। अब यहाँ पे किसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे अब 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है, जिससे यहाँ पर वाहनों की आवाजाही हो रही है। और यही स्थिति अभी हम रास्ते में मौजूद है, यही स्थिति सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड की भी है और ऐसी स्थिति वहाँ पर भी है। लगातार आपको न्यूज 18 के जरिए अपडेट मिलता रहेगा, लगातार हम आपको दिखाएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, यहाँ पर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है।